अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भैया भैया अपने को खोलिए दरवाजा। माफ करना मुँह, तुझे इंतजार करना पड़ा। आजा अंदर आ, मुझे किसी से मिलवाना है। नंदनी तुम ठीक हो ना? अनमोल, रमन जी, आप भैया रमन जी यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरे लिए इसे हमें यहाँ रखना पड़ा। अगर हम इसे बांध कर नहीं रखते तो इसकी बहन हमारे साथ बंधन में बंधने के लिए राजी नहीं होती। यह है तुम्हारी भाभी। जो कानूनी तौर पर हमारी पत्नी है, और ये रहे शादी के पेपर्स जिस पर नंदिनी ने दस्तखत किए हैं। हमने दस्तखत मर्जी से नहीं, हमसे जबरदस्ती से करवाए गए हैं। हमारी बहन के साथ भी जबरदस्ती हुई तो तुम्हारे साथ भी होगी। डर क्या करे, छोड़ो हमें। भैया नहीं नहीं, हम कोई मंगलसूत्र नहीं पहनने वाली। पहनना तो तुम्हें पड़ेगा। चलो पहनो इसे। नहीं भैया, छोड़ो हमें। भैया छोड़िए, ये क्या तरीका है? आप हमारी तकलीफ और बढ़ा दी है। हेलो अनमोल, क्या तुम उदय को रोक पाई? नहीं, हमें पहुंचने में बहुत देर हो गई। रजत चौहान, हमें पता था तुमसे भी ज्यादा इंतजार नहीं होता। बात पता लगने पर सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस ही जाओगे, इसलिए कॉल नहीं किया। उदय, तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो ना, सबका हिसाब किताब होगा, और वो भी बहुत जल्द। फिलहाल तो हमारा हिसाब चल रहा है, जो तुमने किया था उसका। तुम्हारी बहन को बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने। और तुम क्या कर रहे हो? अरे मुझसे ज्यादा दर्द तो तुम पहुंचा रहे हो उसे। उदय कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तुम्हारी बहन तुमसे इतनी दूर चली जाए कि तुम उससे कभी बात ही ना कर पाओ। रजत चौहान, तुम बस अपनी और अपनी बहन की चिंता करो, बाकी हम जानते हैं हमसे हमारी अम्मू कभी दूर नहीं होगी। हमरे बेटे पे हाथ उठाया, बहुत ही गुस्सा आ रहा है ना? रुको, हम ठंडा करते हैं तुम्हारा गुस्सा। नहीं अम्मा, रुक जाओ। नंदिनी ने कुछ गलत नहीं किया है, अगर आप इसके साथ मनमानी करेंगे तो ये भी अपने मन का करेगी ना। ज्यादा वकालत की जरूरत ना है, हट। नहीं,
हम बेटी थे इसलिए हम झेल लिए, लेकिन नंदिनी इस घर की बहू है इसलिए वो ये सब नहीं झेलेगी। अगर आज नंदिनी का हाथ जलेगा तो उससे पहले हमारा जलेगा। अम्मू, अम्मू ये क्या क्या कर रही है? छोड़ छोड़ इसे, छोड़ो अम्मू। रहने दीजिए भाभी, अब खुद की लाइफ तो संभाल नहीं पाई तो हमारी लाइफ क्या संभालेंगे? हम अपनी लाइफ खुद संभाल लेंगे। नंदिनी, तुम्हारी बहन से तमीज से बात करो। भैया बस कीजिए, हम कब से देख रहे हैं आपकी हरकतें, आपने सारी हदें पार कर दी हैं। आखिर आपको हो क्या गया है? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं अंदाजा है, इन चौहान परिवार के लोगों को लगा था कि तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेंगे, पर वो भूल गए थे कि तुम एक बाहुबली की बहन हो जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब तक इन लोगों ने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला था, अब ये लोग बच नहीं सकते। खैर, जीजा जी क्यों नहीं है? वो नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे? हमारा कहावरा याद नहीं है क्या? छोड़ेंगे नहीं उन्हें। भैया, वकील साहब, नंदिनी और उदय की शादी कैंसिल करने के पेपर रेडी करवाई है और जल्दी से घर पर आई है। आपको क्या लगता है जैसे को तैसा कर सब कुछ सही हो जाएगा? तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। लोहा लोहे को काटता होगा लेकिन हम सब इंसान हैं और भावनाओं से बने हुए हैं। जहां गलत का काट कभी गलत से नहीं निकलता। आपको हिसाब बराबर करने की धुन सवार है ना, तो फिर सुनिए, रजत जी हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। रजत जी ने कभी भी हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई, हमारे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया, हमें कभी भी नीचा नहीं दिखाया, हर कदम हर मोड़ पर हमारा साथ दिया और हमारी ढाल बनकर खड़े रहे। और आप अपने आप को देखिए, देखिए खुद को कि आप क्या कर रहे हैं। भैया, किसी से प्यार करना बहुत अच्छी बात होती है, उसे जान से ज्यादा चाहना भी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन प्यार में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि सही और गलत का फर्क ना पता चले। आपको पता है भैया, रजत जी ने हमारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया, वो अपने रिश्तों में उलझे हुए थे इसीलिए हमें अपना अधिकार नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सम्मान दिया है। और भैया, सम्मान अधिकार से हमेशा ऊपर होता है। जिंदगी सम्मान से नहीं, अधिकार से चलती। जानते हैं हम, लेकिन ये बात शायद आप नहीं जानते, जहां सम्मान ना हो वहां अधिकार की कोई कीमत नहीं होती। अम्मू, अगर रजत तुम्हारे बारे में इतना सोचता है तो हमारे कहने के बाद भी आया क्यों नहीं? क्योंकि हमने उन्हें मना किया था। भैया, इस समय आप गुस्से में हैं शायद इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किसी को भी डरा कर धमका कर नहीं बुलाया जाता है और ना ही ऐसे रिश्ते बनते हैं। आपको क्या लगता है भैया, ये सब करके आप हमारी जिंदगी को बेहतर बना देंगे? ऐसा नहीं है, उल्टा ये सब कर कर आप हमें और तकलीफ दे रहे हैं। आप हमारे मान थे, लेकिन भैया अब तो हमारी जबान भी लड़खड़ाती है आपको भाई कहने में। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।